మా నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ ఇన్ఛార్జ్ ఎన్ఎస్సీఐ సే అభీ బహుత్ బడా ఏఐసీసీ సెక్రెటరీ సాహబ్ ఇధర్ ఆయా నదీమ్ జావేద్ సాహబ్ సే బాత్ కర్నా బోల్ కే హమ్ లోగ్ రిక్వెస్ట్ కర్ రహే హైన్ రేవంత్ రెడ్డి గారు आवाज थोड़ी तेज होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी गारू के लिए तो आवाज तेज बनती है जोरदार तरीके से। जीवन रेड्डी गारू डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, नरसिम्हा जी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सुजीत राव जी, एनएसयूआई युवा कांग्रेस सेवा दल और महिला कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के अकलियती शोबे के साथी, कांग्रेस पार्टी के ओबीसी डिपार्टमेंट के एससी डिपार्टमेंट के साथी, यहां मौजूद बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माओ और बहनों, मीडिया के मित्रों कहते हुए आजकल बहुत डर लगता है, इसलिए मीडिया के साथी और मुल्क के वाली को आज की ये शाम सिर्फ एक सियासी शाम नहीं है, एक राजनीतिक शाम नहीं है, ये एक रूहानी शाम है, ये एक बदलाव की शाम दिखाई देती है। और 2004 में इसी तरह की एक यात्रा लेकर स्वर्गीय वाईएसआर निकले थे 2004 से पहले चुनाव के, बीस साल पहले स्वर्गीय वाईएसआर लेकर निकले थे जब तेलंगाना और आंध्र एक हुआ करता था, और पूरे राज्य में घूमने के बाद ऐसा माहौल बना कि कांग्रेस के तिरंगे झंडे के नीचे कांग्रेस की यात्रा निकली थी और सफल हुई थी और सरकार बनी थी। और याद करिए उसी तरह की यात्रा कांग्रेस पार्टी ने इस राज्य के अंदर निकाली है। रेवंत अन्ना के नेतृत्व में जिस तरह का माहौल दिखाई देता है, ये माहौल और ये ऊर्जा और ये जोश से भरे हुए साथी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और आने वाली सरकार इस राज्य के अंदर अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, दूसरी कोई सरकार नहीं। अकलियत के साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने मुझसे कहा कि मैं कांग्रेस की स्टूडेंट विंग में काम किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर देश के तमाम बड़े यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में काम किया, कांग्रेस के अकलियती शोबे में काम किया, एमएलए भी रहा पूरे हिंदुस्तान में काम करने के बाद, आज मैं एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, शाह और तानाशाह और टीआरएस एक साथ मिले हुए हैं, ये दोनों का गठबंधन है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर संविधान जिंदा रहे, आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म जिंदा रहे, आप चाहते हैं कि वह संविधान जो कहता है कि हिंदू और मुसलमान बराबर, जो कहता है कि अगला और पिछड़ा बराबर, जो कहता है कि दलित और ब्राह्मण बराबर, जो कहता है कि गरीब और अमीर बराबर, उस संविधान को बचाना है तो एक रास्ता है, वो कांग्रेस का रास्ता है, वो राहुल गांधी का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मैं और ये जिस तरह का माहौल दिखाई देता है, रेवंत अन्ना जहां जहां से निकल रहे, नौजवान साथी हो, बुजुर्ग हो, माए हो, बहने हो, दलित हो, पिछड़े हो, अकलियत के साथी हो, इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ है, तो एक बार जरा नारा जोरदार लगा दो, कांग्रेस पार्टी। इतनी हल्की आवाज में मिलाओगे तो कैसे सरकार लाएंगे? कांग्रेस पार्टी, दोनों हाथ उठा के, आगे पीछे ऊपर नीचे, एक साथी बचना नहीं चाहिए, दोनों हाथ उठा के, कांग्रेस पार्टी। रेवंत